9,700 से अधिक आतंकी हमले, 1,000 से अधिक जवान शहीद, 2,000 से अधिक नागरिकों की मौत, यानी कि 10 सालों में हर दिन 2 से ज्यादा आतंकी घटनाएं। ये आंकड़े हैं कांग्रेस की मनमोहन सरकार के जो अनुच्छेद 370 के दौरान जम्मू कश्मीर के हालात बयां कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके थे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना उनके लिए खेल बन चुका था। लेकिन साल 2014 सत्ता ने करवट बदली और देश में नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बनी। 5 अगस्त 2019 को आतंकवाद की जड़ बन चुके अनुच्छेद 370 को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया और जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए आतंकवाद की कमर तोड़ दी। 28 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करके न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया बल्कि पुलवामा हमले का बदला लेते हुए 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके ये साफ संदेश दे दिया कि ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुसकर के मारता है। अनुच्छेद 370 के रहते हुए जहां आतंकवाद की 228 घटनाएं हुई थीं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये संख्या घटकर मात्र 11 पर आ गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी 189 से घटकर 24 रह गई। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नागरिकों के हताहत होने की संख्या भी 55 से घटकर 14 पर आ गई। अनुच्छेद 370 के रहते हुए जहां देश ने अपने 91 जवान खोए थे, अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह आंकड़ा घटकर 14 हो गया और पिछले 2 सालों में हड़ताल और पत्थरबाजी के पूरे तरीके से खात्मे ने यह बता दिया कि मोदी सरकार में आतंकवाद की कोई जगह न तो थी, न है और न ही रहेगी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी।